Hello friends, welcome to our channel. Today we will discuss about the EDI and EFT in e-commerce. What is the EDI? Electronic data interchange and electronic fund transfer in e-commerce. कैसे हम डेटा इंटरचेंज करते हैं एक सेंडर से दूसरे रिसीवर के तक, कैसे हम डॉक्यूमेंट भेजते हैं और एक यूजर से एक सेंडर से रिसीवर तक कैसे फंड ट्रांसफ़र होता है, तो चलिए देखते हैं ये कॉन्सेप्ट क्या होता है. इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज, दैट इज़ द इंटरचेंजिंग ऑफ द स्ट्रक्चर डेटा, स्ट्रक्चर ट्रांसमिशन ऑफ डेटा बिटवीन द ऑर्गेनाइजेशंस बाय इलेक्ट्रॉनिकली. दो ऑर्गेनाइजेशन, दो एमएनसी के बीच में कैसे इलेक्ट्रॉनिकली डेटा इंटरचेंज होता है, इस प्रोसेस को हम ईडीआई कहते हैं. सो दैट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ द ईडीआई, द एक्सचेंजिंग ऑफ द और द ट्रांसफ़र ऑफ द स्ट्रक्चर डेटा बिटवीन टू एमएनसी, टू कंपनीज बाय द इलेक्ट्रॉनिकली. कैसे हम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल फॉर्म में डेटा इंटरचेंज करते हैं, कैसे सेंड करते हैं. इट इज़ यूज टू ट्रांसफ़र डॉक्यूमेंट्स और बिजनेस डेटा इलेक्ट्रॉनिकली फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर. कंप्यूटर टू कंप्यूटर ईडीआई रिप्लेस, ईडीआई ने क्या रिप्लेस किया हुआ है यहाँ पे, पोस्टल मेल, जो हम एक नॉर्मली पोस्ट ऑफिस के थ्रू पोस्ट मेल करते थे उसको रिप्लेस कर दिया. फैक्स को भी इवन रिप्लेस कर दिया, इवन ई मेल. क्योंकि अब अगर हम यहाँ पर बात करते हैं कि क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज का, द बेस्ट एग्जाम्पल शेयरिंग. शेयर्स, जब शेयर मार्केट होता है, स्टॉक एक्सचेंज, जो भी आप जिसके थ्रू ख़रीदेंगे, तो वो विद इन ए सेकेंड जैसे आपने वहाँ परचेज किया आपके अकाउंट में क्रेडिट होंगे और आपके पास एक अलर्ट आ जाएगा, मैसेज आएगा. तो ये ऑल द थिंग्स आर हैपेंड ऑटोमेटिकली. इसमें कहीं कुछ मेल की ज़रूरत नहीं पड़ती है, कहीं फैक्स की ज़रूरत नहीं पड़ रही, कहीं कुछ नहीं. सो दिस प्रोसेस इज नोन एज द ईडीआई. द एडवांटेज ऑफ ईडीआई, क्या क्या एडवांटेज है. सबसे पहला एडवांटेज है सेव टाइम एंड मनी. अगर हम सभी काम इलेक्ट्रॉनिकली कर रहे हैं तो बहुत कम समय में और बहुत ज़्यादा काम कर पाएंगे और पैसों का भी सेव कर सकते हैं. इम्प्रूव द कस्टमर्स, ऑब्वियस अगर हम सारी चीज़ इलेक्ट्रॉनिकली मेंटेन कर रहे हैं तो कस्टमर सर्विस जो हमारी रहेंगी वो बहुत इलेक्ट्रॉनिकली वो काफ़ी इम्प्रूव्ड रहेंगी. एंड रिपीटेशन, ई डी आई डॉक्यूमेंट्स आर स्टोर्ड इन ए मेल बॉक्स. यू कैन लुक एट द डॉक्यूमेंट्स इन योर मेल बॉक्स एट एनी टाइम. आपको जब ज़रूरत हो तब आप देख लीजिए, क्योंकि ऑटोमेटिकली आपके मेल बॉक्स में ट्रांसफर्ड हो जाएगी. इफ़ योर कस्टमर वांट टू ए कॉपी ऑफ एन इनवॉइस इंस्टेड ऑफ कॉलिंग यू, दे कैन सिंपली चेक थ्रू देयर मेल बॉक्स. इम्प्रूव द डेटा एक्यूरेसी, ऑब्वियस दैट प्रोवाइड द वेरी गुड एक्यूरेसी. सो इट इम्प्रूव द एक्यूरेसी ऑफ द डेटा एंड रिड्यूस द कॉस्ट आल्सो, बिकॉज देर इज नो फिजिकल एफर्ट इज हैपनिंग हियर. सो दैट्स वाई द कॉस्ट रिड्यूसिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो रिड्यूस द टेक्निकल कॉम्प्लेक्सिटी, ऑब्वियस क्योंकि सभी चीज़ ऑटोमेटिकली चल रही है यहाँ पे, एक सिस्टमेटिक चल रही है. तो विद द ई डी आई दिट्स दैट कॉन्सेप्ट कम्स एंड दैट ओवरकम ऑल द human efforts. So with the EDI company uses the standard data format, एक particular standard format रहता है हर एक कंपनी का, उसमें ही सारे documents structured रहेंगे, सब fix रहेंगे और उसी के format के according ही prepare किए जाएंगे. तो जिससे एक system से दूसरे system में exchange करने में कहीं कोई problem ना आए. Next is the accelerate the information exchange, the completion of order processing time is reduced. जब हमारे पास सारे फॉर्मेट में ऑटोमेटिकली हमारे पास सेट रहेंगे तो हम किसी भी कंपनी का अगर हम ऑर्डर एग्जीक्यूट करने वाले हैं तो बहुत कम टाइम में और इजीली मेंटेन कर पाएंगे. बॉटम लाइन, इट इम्प्रूव द डेटा एक्यूरेसी, रिड्यूस द टेक्निकल कॉम्प्लेक्सिटी, लोअर पर्सनल नीड्स, एक्सेलरेट द इंफॉर्मेशन एक्सचेंज एंड ऑल्सो इम्प्रूव द ट्रेडिंग पार्टनर रिलेशनशिप एंड इम्प्रूव द इंट्रा कंपनी एंड फ्लो ऑफ डेटा. लॉट्स ऑफ द एडवांटेज एंड सिग्निफिकेंस ऑफ द ईडीआई. नाउ द कॉन्सेप्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर ईएफटी इन ई कॉमर्स. इट इज़ द एक्सचेंज और ट्रांसफर ऑफ मनी फ्रॉम वन अकाउंट टू
एनदर थ्रू द इलेक्ट्रॉनिकली। कैसे हम इलेक्ट्रॉनिकली नेट बैंकिंग का यूज करके एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में मनी ट्रांसफ़र करते हैं। सो दिस सिनेरियो नोज इस पूरी प्रोसेस ईएफटी कहलाती है। इन प्रेजेंट सिनेरियो इट इज़ यूज मोस्टली, एवरी थिंग इज इलेक्ट्रॉनिकली एंड एवरी थिंग इज ऑन नेट बैंकिंग एंड ऑनलाइन एवरी थिंग। सो हम सभी लोग इतने यूज टू हो चुके हैं कि हमारे पास टाइम इतना है ही नहीं, हम जस्ट एक अपने कॉस्ट अपने क्लिक पर सारी चीज़ें अपने फिंगर्स पर ही हम सारा क्लिक पर सारे काम करने कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास टाइम ही नहीं है कहीं हम बैंक जाने के लिए। तो हम नेट बैंकिंग का यूज करके मोस्ट ऑफ द थिंग्स कैन बी डू एंड कैन बी परफॉर्म। इट रिड्यूस द टाइम एंड प्रोवाइड द सिक्योरिटी एंड रिलायबल ट्रांजेक्शन बिटवीन द यूजर्स। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फॉर मोर वीडियो सब्सक्राइब द चैनल।